अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे और बहुत ज्यादा खुश होंगे। और आज का व्लॉग ये देखें कैसा होने वाला है। आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि उमेर बना रहे हैं आज फिश फ्राई। तो ये देखें, आज इस पे लगा रहे मसाला भी, क्योंकि ये वाले जो काम होते हैं ना मैं इनसे ही करवाती हूँ। जैसे गोश्त पे, बीफ पे मसाला लगाना होता है या जो भी इस टाइप के काम होते हैं ना, उमेर से ही करवाती हूँ। देखें, अच्छा तो हम बना रहे हैं फ्राई फिश और उमेर की पसंद से आज, क्योंकि संडे था, इन्होंने कहा चलो कुछ बनाते हैं घर में। आज हम बाहर नहीं गए क्योंकि हर संडे हम बाहर ही जाते हैं, लेकिन इस बस दो दिन से मेरी भी कुछ तबीयत सही नहीं थी, फिर मुस्तफ़ा की भी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो मैंने कहा चलें फिर रहने दें। मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा, मैं तो बोल रही थी चले आएँ, चलते हैं, कुछ नहीं होता, फ्रेश हो जाते हैं बच्चे जब पार्क जाते हैं ना, जो वो होती है ग्रास होती है ना, ग्रीन ग्रीन, बच्चा उस पर नंगे पैर चलता है या हम चलते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं और सुकून भी मिलता है। तो आउटिंग का मुझे बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन ये है ना बोर। अच्छा तो बताएं आप क्या कर रहे हैं? मैं मछली पे मसाला लगा रहा हूँ। मछली पे लगा रहे हैं आप? बाहर मछली पे लगाऊंगा और खा लूंगा। अच्छा भाई, तो अच्छा फिश फ्राई बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं हम? दाल चावल बन रहे हैं। दाल चावल बन रहे हैं, इधर मैंने दाल चढ़ा दी है और ये मसाला लगा रहे हैं फिश पे। तकरीबन लग चुका है। कौन सी मछली है ये? है वो सुरमई। सुरमई सुरमई कहलाती शायद, सुरमई मछली लेकर आए। तो मतलब मुझे तो इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है, ये बीफ वगैरह हो गया और फिश हो गई, और मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है, तो बस ये लोग खाते हैं तो मैं खा लेती हूँ। और बताएं, शादी में भी जाना है हमें? शादी में भी जाएंगी ये। अरे ये तो जा ही नहीं रहे। नहीं, मैं काम देखूंगा, काम कर ले। चले फिर मैं ही चले जाऊँगी, कोई बात नहीं, मैं माजरत कर लूँगी, शादी वजह से मैं नहीं जा रही। सही है, काम पहले ना यार, काम भी देखना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये कि मैं और हम लोग सब तो जाएंगे ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी ये है कि आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार व्लॉग भी देखने को मिलेंगे आगे, और बहुत ही मज़ा आने वाला है शादी में मिशेल की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जो है ना बहुत इंजॉय भी करेंगे और सबको करवाएंगे भी, और बहुत मज़ा आएगा, बहुत हल्ला गुल्ला होगा। और जो है ना, सही है, क्या अभी मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाने के बाद क्या करना है? खाना बनाने के बाद हमें आना है लाइव। तो ये व्लॉग, ये वाला व्लॉग तो अपलोड हो चुका होगा जब हम लाइव आएंगे, है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये वाला व्लॉग अपलोड हो जाएगा, और अभी हम वैसे लाइव आएंगे, ठीक है? मैं अभी आएंगे रात में, मतलब खाना वाना खा के इजी हो गई है ना। कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को? क्या बताऊं, सब तो पता है हमारे बारे में। सब नहीं पता, सब पता है, सब पता है। अच्छा आप मेरी भी बनाए। ओह माय गॉड, ये देखिए नुकसान कर दिया ना। अरे ये होता है, मतलब कुछ भी हो जाए ये होता है लाजमी, यहाँ पर भी खड़ी होंगी ना फिर भी ये होगा, दूध गिरा दिया। वैसे काफी टाइम बाद हो रहा है लेकिन ये होता है, इतनी दूर से मत बनाया कर। नहीं, करीब से बहुत बड़ा चेहरा आ रहा है। अच्छा तो ना मैं लहसुन अदरक छील रही थी, मैं कह रही थी कि लहसुन अदरक नहीं होना किचन में, सब कुछ अधूरा अधूरा सा हो जाता है, ऐसा लगता कुछ भी नहीं है। दायरे खाने में लहसुन अदरक ही डलता है ना पहले। हाँ, और इसको मैं पेस्ट बना के आती हूँ। यहाँ पे देखिए मजेदार सी दाल बनी, जबरदस्त। चले तो अभी हम खाना तैयार कर लेते हैं, फिर अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं फाइनल लुक, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, खाना खाते हुए मिलेंगे आप। तो यहाँ देखिए मेरी दाल भी तैयार हो गई है, और साथ साथ मेरे कुछ गेस्ट भी आ गए हैं, और मैं भी आप लोगों से उनसे मिलाती हूँ। ये देखें सारे, किरण, फरुख भाई, सोनिया, सब आ गए, बच्चे भी, सलमान भाई भी हैं, हो रहे वॉशरूम में। किरण ये लोग बस 5 मिनट के लिए आए, बस सबको मेरी तरफ से सलाम और दुआएं। हम लोग आए थे यहाँ पे, आपको पता है जैसे कि मिशेल की शादी के लिए कुछ सामान वगैरह लेने, तो फिर मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया इमरजेंसी, हम 5 मिनट के लिए आए थे, लेकिन वो कहते हैं ना आप लोगों की आदत है मेहमानों को कभी भी ऐसे जल्दी से चाय करने का लिया, जबकि खाने का भी कह रहे हैं हमने खाना बिल्कुल भी अभी नहीं खाना, क्योंकि सोनिया ने कुछ सोच के रखा हुआ, हाँ उसको हमने पूरा करना है, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा सोनिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो पूरी कहानी तो किरण ने बताई दी। अबे मैं क्या बताऊँ, कुछ बचा ही नहीं। अच्छा सलमान भाई भी हैं यहाँ पे, ये देखें। वालेकुम अस्सलाम सलमान भाई, कैसे हैं आप? हाँ हम ठीक है, अल्लाह का शुक्र। फरुख भाई आप कैसे हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा फरुख भाई ने बोल दिया, बस मैं ठीक हूँ, हो गया माशाल्लाह भाई, ठीक हो गई, बस ये मुंह में निवाला चला है, फरुख भाई एक स्टाइल है, ठीक हो गया। अच्छा भाई ये तो है। अच्छा जी, तो ये देखिए हमारा खाना तैयार है, दाल चावल है और फिश फ्राई है,
तो बस हम लोग खाना खाएंगे। आज हम मेरी दोस्त भी आ गई थी, थोड़ी सी देर हो गई थी खाने में। उमेर थोड़ी सा ट्राई करें, बताएं कैसी बनी है फिश। और दाल चावल तो खैर अच्छे ही बनते हैं। सबसे पहले जो है ना, या तो सरबरा का खाना निकालना चाहिए या तो सबसे छोटे का। बिस्मिल्लाह पढ़ के जबरदस्त बनी है ना, जैसी मैं चाह रहा था ना वैसी बनी है। तो हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद फिर ब्लॉग भी एंड करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों खाना खा लो। आ जाए आप लोग भी। मरियम को खानी है फिश, खानी है? क्या हुआ? पीछे से वो आ गया था वॉशरूम। और सबू को तो देख लिया सबने, फौरन से भाग गए। ये देखिए मुस्तफा को बोल। आज का व्लॉग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? तो आज का व्लॉग एंड करना भूल गए थे हम लोग रात में। अभी नाश्ता वगैरह कर रहे हैं बच्चे भी, तो दिखाएं बच्चों को नाश्ता कर रहे हैं। मुस्तफा वहाँ फीटर पी रहे हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक का था। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट। दुआ लाजमी है, सबसे पहले दुआ है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।